Hi everyone, namaste, welcome or welcome back to my channel Colors of Life and welcome to another video. So in today's video we are going to talk about hydrocephalus. Yes, जब भी मैं किसी को बोलती हूँ मुझे hydrocephalus हुआ है तो people are like ये क्या है क्या होता है because mostly लोगों को पता नहीं है. So today we are going to talk about hydrocephalus and if you're new here, new to my channel then hi, my name is Aarti. I make vlogs and health related videos here, especially tuberculosis related because I am also a brain and spine TB patient and I share videos on the basis of my experience. So if you're new here then please do hit that subscribe button and bell also. So let's get started with the video. So hydrocephalus jo hai, it is the accumulation of fluid in brain cavity. अगर हम simple हिंदी में बोले तो आपकी brain में पानी जम जाता है जो आपकी brain और spinal cord में एक होता है cerebrospinal fluid CSF. वो जब आपके brain में accumulate हो जाता है तब हम उसको कहते हैं hydrocephalus. तो ये hydrocephalus जो है all age group के लोगों को होता है, बच्चों को, mainly बच्चों को होता है, बच्चों को एक साल डेढ़ साल के बच्चों को भी होता है, जैसे young हम है हमें भी होता है and 60-70 years के लोगों को भी होता है. तो ये all age group में होता है लेकिन ज़्यादातर ये बच्चों में होता है. And it is one of the complication in brain TB, tuberculosis meningitis. And जिन लोगों को brain tumor होता है उनको भी chances होते हैं hydrocephalus होने. So बहुत सारे ऐसे brain TB के patients हैं जिनको TB के साथ साथ hydrocephalus भी है. तो इट इज़ वन ऑफ द कॉम्प्लिकेशन इन ब्रेन. सो सबसे पहले बात करते हैं सिम्टम्स के बारे में. तो जो बच्चों को हाइड्रोसेफेलस होता है तब उनका जो है हेड का साइज जो होता है वो इंक्रीज होता है, उनका हेड का साइज एनलार्ज होता है, इंक्रीज होता है. एंड जो सिम्टम्स है इसके मेन सिम्टम्स वो है हेडेक, बहुत ज़्यादा सीवियर हेडेक होता है. उसके बाद में वॉमिटिंग होता है, आपको विजन थोड़ा ब्लर दिखाई देता है. हेडेक तो बहुत ही ज़्यादा होता है, बहुत ही सीवियर होता है, मुझे हुआ था. वॉमिटिंग कंटिन्यूसली, वॉमिटिंग नहीं तो वॉमिटिंग टेंडेंसी होती रहती है, सेंसेशन होती रहती है. ब्लर्ड विजन होता है, आपको धुंधला धुंधला दिखाई देता है. लॉस ऑफ मेमोरी और कुछ लोग जो है अनकॉन्शियस हो जाते हैं. आई वॉज ऑल्सो अनकॉन्शियस, आई वॉज अनकॉन्शियस फॉर ऑलमोस्ट 45 डेज. तो कुछ लोग पूरा अनकॉन्शियस हो जाते हैं एंड कुछ लोगों की थोड़ी सी मेमोरी लॉस भी हो जाती है. एंड अगर कोई इंसान अनकॉन्शियस नहीं है, अच्छे उसमें है, तो उसको जो कंसंट्रेशन पावर है वो डिक्रीज हो जाती है, वो कम हो जाती है. तो अभी मैं अगर मैं दो साल पहले की अगर मैं अपने आप को देखूं तो मेरा माइंड बहुत ज़्यादा शार्प था, बट अभी मैं इतना ज़्यादा किसी चीज़ पे फोकस नहीं कर पाती हूँ और मेरा जो कंसंट्रेशन पावर है वो डिक्रीज़ हो गया है. तो ये होता है, कंसंट्रेशन पावर डिक्रीज़ होता है और इंसान की पर्सनालिटी में चेंजेस आते हैं, उनका माइंड थोड़ा सा अलग होता है. तो जब किसी को हाइड्रोसेफेलस होता है तो उनकी पर्सनालिटी में चेंजेस आते हैं, उनका जो थिंकिंग एंड रीजनिंग स्किल्स है वो भी कम हो जाता है लोगों में. जैसे मेरा हुआ है, मेरा कंसंट्रेशन पावर कम है, थिंकिंग जो है वो कम है, रीजनिंग स्किल्स कम है. तो ये होता है, इम्पेयर्ड विजन होता है किसी किसी में, नहीं तो किसी किसी में जो है ब्लर्ड विजन होता है एंड बैलेंस डिसऑर्डर भी होता है. तो ये थे कुछ हाइड्रोसेफेलस के सिम्टम्स. मैं अगेन रिपीट करती हूँ, हेडेक होता है, वॉमिटिंग होता है, ब्लर्ड विजन धुंधला दिखाई देता है, लॉस ऑफ मेमोरी. मुझे हाइड्रोसेफेलस से रिकवर करने के बाद भी मेरी पास्ट की बहुत सारी ऐसी मेमोरीज हैं जो मुझे याद नहीं है. एंड लॉस ऑफ मेमोरी में दूसरा ये भी होता है कि भूलने की बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं. आप आज अगर कुछ कर रहे हो तो कल आप वो भूल जाते हो, तो ऐसा होता है, भूलने की बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं. लॉस ऑफ मेमोरी, अनकॉन्शियस इंसान डेढ़ महीने दो महीने तक भी अनकॉन्शियस हो सकता है. उसके बाद में डिक्रीज इन कंसंट्रेशन पावर, आपकी कंसंट्रेशन पावर डिक्रीज होती है, थिंकिंग एबिलिटी जो होता है आपके सोचने का वो होता है वो डिक्रीज होता है. आपको पर्सनालिटी में अलग ही चेंजेस आते हैं. जब किसी को हाइड्रोसेफेलस है तो उनकी पर्सनालिटी थोड़ा सा, पहले वो जैसे थे वैसे नहीं रहते हैं, थोड़ा सा डिफरेंस दिखता है एंड बैलेंस डिसऑर्डर होता है. तो ये थे कुछ हाइड्रोसेफेलस के सिम्टम्स. अब ये डायग्नाइज कैसे होता है, तो ये डायग्नाइज होता है MRI से. आपके जब ब्रेन की MRI करते हैं
तब जो है ये डायग्नाइज होता है। सो इसके सिम्टम्स हमने बता दिए, अब हम बात करते हैं इसकी ट्रीटमेंट की। तो इसमें मेडिसिन्स का कुछ ज़्यादा रोल नहीं है, मेडिसिन्स इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है इसके लिए। तो वीपी शंट जो होता है वो कराते हैं, बट किसी किसी को जो है डायमोक्स टैबलेट देते हैं और वो जो है आपकी ब्रेन में जो पानी होता है उसको रिड्यूस करता है। तो बहुत कम लोगों को टैबलेट से ठीक होता है। और अगर आपको ब्रेन टीबी के साथ में हाइड्रोसेफेलस है, अगर आपको ट्यूमर के साथ में हाइड्रोसेफेलस है, तो आपको अगर ब्रेन टीबी की दवाई के साथ साथ में अगर आपको वो टैबलेट भी दे रहे हैं, तो धीरे धीरे जब आपका टीबी ख़त्म हो जाएगा वो हाइड्रोसेफेलस भी धीरे धीरे करके ख़त्म हो जाएगा। लेकिन ये बहुत कम केसेस में होता है। मोस्टली केसेस में जो है पेशेंट को डॉक्टर सजेस्ट करते हैं वीपी शंट। वीपी शंट क्या होता है? वीपी शंट एक सर्जरी होती है जहाँ पे आपकी ब्रेन से यहाँ पे एक स्मॉल प्लास्टिक ट्यूब डाल देते हैं और वो ट्यूब जाके आपके स्टमक तक जाता है। तो आपके जो जितने भी आपके ब्रेन में पानी जमा हुआ है वो जो ट्यूब डाला था उसके थ्रू आपका स्टमक में चला जाता है। तो जब भी आपका जितने भी पानी सर पे बना हुआ है वो जो प्लास्टिक ट्यूब है उसके थ्रू स्टमक में जाता है। तो इसका ट्रीटमेंट जो है मेडिसिन से बहुत कम वर्क करता है। तो मोस्टली पेशेंट्स को जो है डॉक्टर्स वीपी शंट ही कराते हैं। एंड मेरे कांटेक्ट में भी बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको वीपी शंट हुआ है एंड सक्सेसफुल होके वो अभी अच्छी लाइफ जी रहे हैं। तो ये था आज का वीडियो हाइड्रोसेफेलस के ऊपर। आई होप यू गाइस लाइक इट। अगर आप लोगों को ये वीडियो थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव लगे, अच्छा लगे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। इफ़ यू वांट टू वॉच माय स्टोरी और माय जर्नी ऑफ ब्रेन एंड स्पाइन टीबी अलोंग विद हाइड्रोसेफेलस, मैंने कैसे फाइट किया एंड एवरीथिंग इज इन डिटेल एक वीडियो में, तो अगर आप लोग वो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। एंड इफ़ यू आर अ टीबी पेशेंट और एनी मेंबर इन योर फैमिली इज अ टीबी पेशेंट एंड अगर टीबी के बारे में और इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, तो मेरे चैनल पे एक प्लेलिस्ट है ट्यूबरक्यूलोसिस मैनेजर्स, वहाँ पे 30 प्लस वीडियोस है टीवी के ऊपर, तो आप लोग वहाँ पे जाके देख सकते हैं। एंड इफ यू वांट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, माय इंस्टाग्राम आईडी इज कलर्स ऑफ लाइफ 34। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।